हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। लेसन का नाम है लॉ ऑफ मोशन। तो मोशंस मतलब जो चीज़ें यहाँ से वहाँ होती है उसे हम मोशन कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें जो यहाँ पर कैन यू टेल ये दिया हुआ है, तो इसके आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। टेक्स्चुअल क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन जो लेसन के मिडल में रहते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखो। नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करो और लाइक करो। मतलब लाइक करने से मुझे पता चलेगा आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। कमेंट करके बताओ जो भी आप लोगों को नया पोर्शन चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट द्वारा ज़रूर बताना। चलो फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट दिया हुआ है और सेकंड पूछा हुआ है हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। तो प्रेजेंस और मोशन का एब्सेंस हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आंसर मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है, मैं रीड भी कर रही हूँ। वी कैन सेंस मोशंस इन द एग्जांपल्स, कौन सा है ये, फर्स्ट है द फ्लाइट ऑफ द बर्ड, फिर उसके बाद है फ्लाइट ऑफ बर्ड हो गया, देन द लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ये है दोनों एग्जाम्पल इसके आते हैं। फिर उसके बाद और हमें आगे क्या लिखना है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशंस इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो चेंज करता है पोजीशन अगर चेंज करता है तो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड एट रेस्ट अदरवाइज। अगर ज़रूरत है, अगर आप एक जगह पे बैठे हो, अगर ज़रूरत है तो ही आप हिलोगे ना वहाँ से। तो जब हमें वहाँ पर हमें कोई ऐसे पोजीशन चेंज करना है रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग तो ही हम करेंगे, आइदर हम रेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही हर चीज़ का भी होता है, तो दिस इज़ द आंसर इज़। अभी इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हमें दिया है थिंक अबाउट इट, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो मैं रीड करती हूँ। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, इन इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, तो आपके बगल में जो बैठा है, आपके बाजू में जो बैठा हुआ इंसान होता है या कोई भी पर्सन है, तो वो मोशन में है क्या, यहाँ पर ऐसे पूछा है। तो इसका आंसर आएगा द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी, मतलब वो हमें दिखने के लिए हिल नहीं रहा है, बट द पर्सन इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन ऑन द रोड। लेकिन आप देखोगे रोड पर के इंसान जो है वो वहीं पर रहते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो मेरे लिए वो पोजीशन में मतलब इसमें नहीं है, मोशन में नहीं है, बट जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं नीचे से चल रहे हैं उनके लिए वो मोशन में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है व्हाट डू यू टेक इनटू कंसीडरेशंस टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और नॉट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग है या नहीं है तो ये हमें कैसे पता चलेगा, टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशंस और नॉट वी कंसिडर वेदर इट्स चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और नॉट। तो ये उसके सराउंडिंग से मतलब उसे ज़रूरत है चेंज करने की, इसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है लेट्स ट्राई दिस, ओके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में दिया है। सो वॉट इज़ गिवन हियर, तो देखो ये फिगर के ऊपर यहाँ क्वेश्चंस है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर वन में हमें दिया हुआ है, इसके बीच में एक लूप भी दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो ये इसका आंसर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। नाउ मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का भी डिस्टेंस देखना है, विच डिस्टेंस इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई, तो कौन सा करेक्ट है तो ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो डॉटेड लाइन का जो डिस्टेंस है दैट वुड बी द करेक्ट वन, वो करेक्ट डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा डिटेल में आंसर दिया हुआ है, तो आप स्क्रीन के ऊपर इसे देख सकते हो। नेक्स्ट दिया है थिंक अबाउट इट, शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीताज हाउस ऑन हर वे टू स्कूल, कहाँ गई वो, संगीताज हाउस गई है घर स्कूल के रास्ते में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो शीतल का घर है, तो वो कहाँ पहले गई है, शी वेंट टू संगीताज हाउस, ओके यहाँ पर स्कूल है तो पहले संगीता के घर गई है फिर वहाँ से स्कूल जाने वाली है। लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ गिवन हियर, देन सेकंड दिया है प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, और यहाँ से प्रशांत और शीतल दोनों यहीं पर रहते हैं, ओके
तो अभी शीतल कैसे गई है, पहले संगीता के पास देन स्कूल, बट प्रशांत जो है वो डायरेक्ट वेंट टू स्कूल, सो डायरेक्ट फ्रॉम होम टू स्कूल. बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से ही चल रहे हैं. हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई, और किसे यहाँ पर कम टाइम लगेगा स्कूल पहुँचने के लिए, ऐसे पूछा हुआ है. तो अभी आप यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा. नाउ हियर फ्रॉम होम टू स्कूल द डिस्टेंस इज 1300 मीटर, ओके. एंड हियर फ्रॉम संगीताज हाउस टू स्कूल दिस इज 1200, दिस इज लेस देन दिस, इससे ये कम है. बट जो शीतल है वो संगीता के घर तक 500 मीटर चल के गई है. तो ये 500, तो ऊपर का हम देखेंगे 1200 प्लस 500, मतलब कितना हो जाएगा टोटल, वो कितना चल कर गई है 1700 मीटर. सो विच इज़ ग्रेटर, दिस इज़ ग्रेट, और ये लेस है. दैट मीन्स कौन सा डिस्टेंस यहाँ पर पूछा हुआ है, हु विल टेक लेस टाइम. सो हियर शीतल, सॉरी प्रशांत विल टेक लेस टाइम बिकॉज ही हैज़ वॉक्ड 1300 मीटर, एंड हियर शीतल वॉक्ड हाउ मच 1700 मीटर. तो ये इसका डिफरेंट आंसर रहेगा. तो ये डिटेल में मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर आंसर दिया हुआ है, ओके. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. स्पीड एंड वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका हम देखेंगे. अभी क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द वेक्टर एंड स्केलर, तो यहाँ पर हमें इसके बारे में पूछा हुआ है. एंड सेकंड दिया है विच ऑफ द क्वांटिटीज, डिस्टेंस, स्पीड्स, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर, तो हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर भी मैंने देखो स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है. एंड यहाँ पर आपको लिखना है द टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या है वो स्केलर क्वांटिटी है, ओके. चलिए नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसमें और क्या पूछा हुआ है. ओके इसमें ओके अब सिर्फ पॉइंट्स रिमेंबर के लिए दिया है. ओके तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज, इसमें दिया है. मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी आप लोगों का, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन देम, ओके. मैं इसे आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँगी, मतलब इसके आंसर दे देती हूँ. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखना है डिस्प्लेसमेंट. देन डिक्लेरेशन इज अ डैश एक्सेलरेशन, यहाँ आएगा नेगेटिव. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डैश चेंजेस टू एवरी पॉइंट, तो यहाँ आएगा वेलोसिटी. देन डी में देखो ड्यूरिंग कॉलिजन डैश रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा फोर्थ में आ जाएगा टोटल मोमेंटम, ओके टोटल मोमेंटम. उसके बाद ई देखो, तो ई में आएगा द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स, द वर्किंग ऑफ द रॉकेट डिपेंड्स ऑन द न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ आएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके. तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर स्क्रीन पे दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं जिसके आंसर्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. चलिए इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी मैच द पेयर, ओके. पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, यस. चलो अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, थ्री कॉलम्स दिए हुए हैं. फर्स्ट में है कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री है. नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मैं आप लोगों को ना डायरेक्ट इसके आंसर्स बताऊंगी, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर के साथ में देख लीजिए. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है ये द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स
रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर आएगा डिक्रीज, ठीक है। तो इसके साथ आ गया ये पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा, अ व्हीकल मूविंग, अ व्हीकल मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 10 ms, तो 10 ms टू 10 ms stops after 5 seconds, ओके। तो फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट ऐसे आ जाएगा ये। तो इसका भी मैंने पूरा आप लोगों को टेबल स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, तो आप डायरेक्टली उसे करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में स्टार्ट करती हूँ, क्लासिफिकेशन, तो सॉरी क्लैरिफाई दिया है, क्लैरिफाई द डिफरेंस। तो इसे क्लासिफाई मतलब ही हो जाएगा, क्लैरिफाई करना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर दिए हैं, तो इसका आंसर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन। डिस्प्लेसमेंट में आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट्स टू द फाइनल पॉइंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो दो इसका भी आंसर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है, तो मैं इसे रीड नहीं करूँगी, डायरेक्टली आप इसके आंसर को देख सकते हो, ओके। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और एक मैंने एक्स्ट्रा दिया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी का, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, तो ये टेबल को हमें करना है कंप्लीट, ओके। तो इसे भी मैंने कंप्लीटली किया हुआ है, तो आप इसका भी देख सकते हो आंसर, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर हमें आंसर्स लिखने हैं, तो इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है। फिफ्थ है गिव साइंटिफिक रीजंस, तो साइंटिफिक रीजंस हम देखेंगे अभी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो ये देखिए इसका आंसर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। सेकेंड हम देखेंगे, इवन दो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्शंस एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कॉलेट कैंसल्ड, तो हमें यहाँ पर इसका आंसर दिया है, तो आप ये आंसर भी कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही छोटा सा और एकदम सिंपल आंसर है ये। इट इज़ ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू द क्रिकेट बॉल व्हेन द बोथ आर ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी मतलब स्पीड, दोनों का स्पीड एक जैसा है, फिर भी हमें टेनिस बॉल रोकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और क्रिकेट का बॉल के लिए हमें टाइम लगता है, ऐसे क्यों है। तो दिस आंसर इज ऑल्सो गिवन ऑन योर स्क्रीन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म, तो इसका बहुत ही छोटा सा आंसर है, तो ये देखिए स्क्रीन पर आ गया है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट इज ऑलवेज जीरो, दस इट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, हेंस इट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा रहता है, एक जैसा रहना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म, ओके। इसके बाद है यहाँ पर टेक फाइव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड गिव एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इसका आंसर दिया हुआ है। द मोशंस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द मोशंस ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, द एटम्स ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, सॉरी द मोशंस ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ओके। देन फिफ्थ है द मोशंस ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो इस तरह से हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो अभी यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बट जो 7th क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स का मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में इसे देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, सारे आंसर्स आप लोगों को कम्प्लीटली मिल गए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। नए हो चैनल में तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नाउ, एंड
इफ यू हैड एनी डाउट देन प्लीज कमेंट. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.